Subscribe Zee Hindustan and hit the bell icon to never miss any update. गोरखपुर का इस्माइल रोटी बैंक, जी हाँ, बच्चों के लिए सहारा बनकर आए इस्माइल रोटी बैंक की हर जगह जमकर तारीफ हो रही है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी इस्माइल रोटी बैंक की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि 5 साल पहले 5 बच्चों से शुरू होकर अब 60 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा और आहार दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पांडे जी के साथ इस अभियान में और भी युवा जुड़ गए हैं। इन बच्चों में कई तो नशे के आदि हो चुके थे और असामाजिक गतिविधियों में शामिल थे, लेकिन अब उनका भविष्य संवर रहा है। आपको बता दें कि गोरखपुर के आजाद पांडे रेलवे ऑफिस के बाहर इस्माइल रोटी बैंक आहार केंद्र और स्कूल चलाते हैं, जहां स्टेशन पर रहने वाले 3 से 15 साल के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खेल कूद और खाना देकर उनका खोया हुआ बचपन लौटाने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे ट्रेनों में पानी की बॉटल्स, चिप्स बेचकर या फिर कूड़ा जमा करने का काम करते थे। आजाद पांडे को साल 2018 के लिए प्रतिष्ठित नेशनल यूथ आइकन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने क्या ट्वीट किया वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि गोरखपुर के आजाद पांडे जी रेलवे ऑफिस के बाहर इस्माइल रोटी बैंक आहार केंद्र और स्कूल चलाते हैं और यहाँ पर जो स्टेशन पर रहने वाले बच्चे हैं उनमें से 3 से 15 साल के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खेल कूद और साथ ही साथ उन्हें पढ़ाने का काम करते हैं। पानी की बॉटल्स, चिप्स बेचते और कूड़ा जमा करते ये बच्चे 5 साल से शुरू होकर अब 60 से अधिक तक यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जिनमें बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। बच्चों को शिक्षा और आहार दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पांडे जी के साथ इस अभियान में कई युवा जुड़े। इन बच्चों में से कई तो नशे के आदि हो चुके थे और असामाजिक गतिविधियों में भी शामिल थे, लेकिन अब इन बच्चों का भविष्य संवर रहा है। वो बच्चों की भूख देख नहीं पाया, वो मासूमों की तड़प सह नहीं पाया। उसकी आत्मा को कुचल रहा था खुले आसमां के नीचे सिसकती मासूमियत। उसे सोने नहीं दे रही थी। नशे में बिखरता बचपन देख उसका दिल पसीज रहा था। फिर उसने लिखी गोरखपुर की गर्व गाथा। और बन गया मासूमों का मसीहा। ये कहानी नहीं, वो हकीकत है जिसे जानकर इंसानियत पर आपका यकीन दोगुना हो जाएगा। हकीकत गोरखपुर के आजाद पांडे की। मासूमों की भूख मिटाकर उन्हें चैन की जिंदगी देने के हकदार आजाद हैं। इन चेहरों पर चांद सी मुस्कान के हकदार आजाद हैं। खेलती कूदती इन जिंदगियों के हकदार आजाद हैं और पढ़ लिख कर भविष्य को संवारती इस राह के हकदार भी आजाद हैं। गोरखपुर के रेलवे स्टेशन से कुछ इस तरह से कहानी शुरू हुई कि आज मिसाल बन गई। करीब 5 साल पहले जब बेघर गरीब भटके कूड़ा बीनते भीख और नशे की चपेट में फंसे देश के भविष्य को आजाद पांडे ने जंजीरों में जकड़ा पाया तो उनके जमीर ने उन्हें इसे नजरअंदाज नहीं करने दिया और एक ही पल में गोरखपुर के आजाद पांडे ने इन बच्चों की आजादी का बीड़ा उठा लिया।
पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि इनको केवल हम जीवन का ककहरा सिखा रहे हैं और इनको इंसान बनाने की प्रक्रिया में लगाए हुए हैं कि ये इंसान बन जाए, इनको समाज का वो तबका समझ में आ जाए जिससे ये बहुत दूर हैं। तो वो स्टेशन से ये बच्चे आए हुए हैं और मैक्सिमम बच्चे ये स्टेशन पे रात गुजारते हैं, दिन में शहर में जाते हैं, उधर उधर घूमते हैं। तो स्टेशन से ला के हम इनको पढ़ाने का काम करते हैं और इनको वो पार्ट्स पढ़ाते हैं जो ये जीवन सीख पाए, जी लें। इनको कोई भी वो शक्ति जो इनके बचपन के साथ आज खेल रही है वो कल ना खेल। हालांकि इस मुश्किल सफर को अपने कंधे पर जिम्मेदारियों के तौर पर उठाना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन आज आजाद पांडे के इन बुलंद हौसलों ने मासूमियत को नरक भरी जिंदगी से महफूज कर लिया। स्माइल रोटी बैंक इन मासूमों को अपने जिगर के टुकड़ों की तरह पाल पोस रही है। स्टेशन परिसर के बाहर ही रोड पर इन बच्चों को आजाद ने अपने बूते पढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि जगह कम होने के चलते जब आजाद पांडे को दिक्कतें आने लगी तो कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें रेलवे प्रशासन ने परिसर में ही एक कमरा मुहैया करवा दिया। पांच बच्चों से शुरू हुई संघर्ष की कहानी आज 60 बच्चों की कामयाबी तक पहुंच गई है। गोरखपुर में फेसबुक के जरिए जब आजाद के हौसलों की हकीकत सामने आई तो कुछ और बुलंद इरादों ने इनका हाथ थामा और बन गए स्माइल रोटी बैंक का हिस्सा। मैं बच्चों को ट्यूशन देती हूँ तो इस समय मेरे पास सफिशियंट टाइम है, इसलिए मैं यहाँ आती हूँ, मुझे खुशी मिलती है यहाँ आकर। आजाद पांडे स्टेशन पर रहने वाले 3 साल से 15 साल के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खेल कूद और खाना देकर उनका खोया हुआ बचपन लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। आजाद को अपने नायाब योगदान के लिए प्रतिष्ठित नेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी स्माइल रोटी बैंक की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया, गोरखपुर के आजाद पांडे जी रेलवे ऑफिस के बाहर स्माइल रोटी बैंक, आहार केंद्र और स्कूल चलाते हैं। यहाँ स्टेशन पर रहने वाले 3 से 15 साल के बच्चों को पढ़ाने के साथ खेल कूद और खाना देकर उनका खोया बचपन लौटाते हैं। ये बच्चे ट्रेन में पानी की बॉटल, चिप्स बेचते हैं और कूड़ा जमा करते हैं। 5 साल पहले 5 बच्चों से शुरू होकर अब 60 से अधिक बच्चों को शिक्षा और आहार दे रहे हैं आजाद। सोशल मीडिया के माध्यम से पांडे जी के साथ इस अभियान में एक और युवा जुड़ गए हैं। इन बच्चों में से कई तो नशे के आदि हो चुके थे और असामाजिक गतिविधियों में शामिल थे, लेकिन अब उनका भविष्य संवर रहा है। वाकई गैरों का दर्द देख जिसका दिल जख्मी हो जाए वो सही मायने में इंसान है, लेकिन जो उस दर्द की दवा बन जाए वो किसी मसीहा से कम नहीं। यूपी के गोरखपुर के रहने वाले आजाद पांडे को मासूमों का मसीहा कहना गलत नहीं होगा। गोरखपुर से प्रदीप तिवारी की रिपोर्ट, जी मीडिया। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ।